तो कोड स्टूडियो एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम C++, जावा, पाइथन जिसी लैंग्वेज में तुम कोड करना चाहो उसमें कोड कर सकते हो. Also, you can solve problem topic wise, whether you want to solve programming fundamentals, whether you want to solve data structures, whether you want to go for advanced algorithms. And the best part about this website is ki iska UI bahut acha hai. काफी बच्चों का मेरे से सवाल आता है कि भैया एक वेबसाइट बता दो जो सब में बेस्ट हो, मतलब सब में फीचर्स सारे हो, यूआई भी अच्छा हो, कोडिंग क्वेश्चंस भी अच्छे हो, प्लेटफॉर्म भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो. रिसेंटली मुझे ये जिस वेबसाइट के बारे में बात करने आ रहा हूँ वो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगने लगी और मैं उसकी USPs के बारे में बात करने आ रहा हूँ. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कोड स्टूडियो बाय कोडिंग निंजास. कोड स्टूडियो क्यों बेस्ट वेबसाइट है हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं अभी कुछ देर में. Hi guys, welcome back to another video. Myself Naman, और आज मैं तुम्हें इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मेरे लिए बेस्ट कोडिंग वेबसाइट कौन सी है और क्यों है, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. तो कोड स्टूडियो एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम C++, जावा, पाइथन जिसी लैंग्वेज में तुम कोड करना चाहो उसमें कोड कर सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वेबसाइट इज कि इसका UI बहुत अच्छा है. पता है इनिशियली जब मैं किसी वेबसाइट पे कोडिंग करने जाता था मैं कोडिंग वेबसाइट्स का नाम नहीं लूंगा, बट उनका ना यूजर इंटरफेस ना इतना फ्रेंडली नहीं होता. पता है जब भी तुम जाओगे उन वेबसाइट्स पे तुम्हें लगेगा यार क्या डल सी वेबसाइट है, मतलब कलर्स इतने अच्छे नहीं होते, कलरफुल नहीं होता पेज और ना मजा सा नहीं आता उन वेबसाइट्स को जाने में. तो पहली सबसे पहली चीज जो मेरे को इस वेबसाइट की अच्छी लगी कि UI बहुत ज़्यादा अच्छा है. अब UI अच्छे होने से पता है काफ़ी फायदा होता है. फायदा किस चीज़ का कि हमारे जो माइंड होता है ना, हमारा माइंड क्या रहता है उस चीज़ पे, मतलब उसको देख के खुश होता है. जब हमारे माइंड के अंदर वो डलनेस नहीं आती ना, वो एक्टिवनेस रहती है, तो हम एफिशिएंटली बहुत अच्छा काम करते हैं. अब तुम लोग काफ़ी वेबसाइट्स पे जाओगे, जैसे कुछ कुछ वेबसाइट पे जाओगे तुम्हें लगेगा यार क्या कलर्स हैं यार ये, तुम्हें थोड़ा डल सा लगेगा कि यार ये मेहनत से जिसने वेबसाइट बनाई है जो चाहता है कि हम उसकी वेबसाइट पर, उसने अच्छे से वेबसाइट नहीं बनाई, क्यों बंदा आएगा उस वेबसाइट पर. तो मेरे लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी किसी वेबसाइट पर जाने के लिए दैट वॉज UI. कोड स्टूडियो का UI इज़ वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा है. इतना ज़्यादा अच्छा UI तुम्हें बहुत ही कम वेबसाइट्स पे देखने को मिलेगा बिकॉज मेहनत से बनाई गई है यार. एंड कोई भी चीज़ मेहनत से बनाते हैं ना लोग तो लगता है कि हाँ यार यहाँ पे कुछ हमने काम किया, यहाँ पे कुछ हुआ है. सेकेंड थिंग, दे प्रोवाइड यू मल्टीपल बैजेस. जैसे जैसे तुम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने लग जाओगे तुम्हारे पास ब्रोंज बैज आएगा, तुम्हारी लेवल्स इंक्रीज करने लग जाएगी, यू आर गोइंग टू गेट पॉइंट्स. अब वो पॉइंट्स किस चीज़ पर मिलते हैं? पॉइंट्स मिलने का जो रीज़न होता है वो होता है तुम्हारी स्ट्रीक. अब स्ट्रीक क्या होती है? स्ट्रीक यानी तुम कितनी कंटिन्यूअस डेज प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने दिन से तुम्हारी स्ट्रीक चल रही है, कितने दिन तुमने प्रैक्टिस करी है, ठीक है. तो ये चीज़ें तुम्हारी स्ट्रीक बताती है और ये इतना अच्छा फीचर है ना, ये तुम्हें बताता है कि तुम कितने दिन से रेगुलरली कोड कर रहे हो. पता है जैसे तुम लोग GitHub चलाते हो, GitHub पे देखते हो कि आज तुमने कितने कॉन्ट्रीब्यूशन किए, कितने क्या किया, कितना क्या किया, किस दिन कितने सबमिशन मारे, किस दिन क्या क्या रेपोजिटरी फॉर्क की, क्या कुछ किया. एग्जैक्टली यही सेम चीज़ तुम्हें ये वेबसाइट भी बता दी, योर सबमिशंस ओवर द मंथ्स. मतलब तुम्हें ये बता देगा कि इस मंथ के इस तारीख को तुमने कितने सबमिशन किए, इस मंथ के इस डेट को तुमने कितने सबमिशन किए, और वो इंटेंसिटी के थ्रू बताते आएंगे. तो इंटेंसिटी होती है कुछ कुछ कलर्स होते हैं, कलर्स के थ्रू तुम्हें पता लग जाता है अच्छा तुमने बहुत सारे सबमिशंस किए. इससे तुम्हें पता लगता रहेगा कि तुम रेगुलरली कितनी पढ़ाई कर रहे हो, और ये इन्फॉर्मेशन का पता लगना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, बिकॉज अगर तुम्हें ये पता नहीं चलता होगा कि तुम कितनी फ्रीक्वेंटली कोड करे तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कितनी तुम्हें मेहनत एक्स्ट्रा करनी है. सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट, जैसे जैसे तुम लोग मेहनत करने लग जाओगे, प्रैक्टिस से सबमिशन ज़्यादा करने लग जाओगे, तुम्हारे जो पर्टिकुलर ब्लॉक का जो कलर है वो डार्क होता जाएगा. एंड ये एक UI के अंदर एडिशन है जो तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग योर प्रैक्टिस, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. अब इसके अलावा मेन कॉन्टेंट पर आते हैं, प्रैक्टिस करनी है हमें. अब प्रैक्टिस के लिए क्या होता है? क्वेश्चन चाहिए ना. तो कोड स्टूडियो पे तुम लोग को 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, और 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलना मतलब इतनी बड़ी चीज़ होती है ना. इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लेके आए हैं इस वेबसाइट पे, कोड स्टूडियो पे इतने सेलेक्टेड क्वेश्चन और अच्छे विद सॉल्यूशंस. हर कोड का सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा विद हिंट्स जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को काफ़ी एनहांस करेगा. व्हेन यू टॉक अबाउट अदर प्लेटफॉर्म्स ना, तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए हिंट्स भी नहीं मिलेंगे, हर क्वेश्चन के तुम्हें सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, और बाकी वेबसाइट पे जाके तुम्हें प्रीमियम खरीदना पड़ेगा. तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रीमियम का चक्कर नहीं है. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि तुम्हारा सॉल्यूशन का जो पॉइंट होगा, जो तुम्हारे को स्कोर मिल रहा होगा, फॉर एग्जांपल फॉर अ गिवन क्वेश्चन यू हैव मैक्सिमम स्कोर 120, थोड़ा डिडक्ट हो जाएगा इफ यू सी हिंट्स.
So, ऐसे ऐसे करके you guys can check solutions to question, and this is going to boost up your problem solving skills and going to help you. Also, you can solve problem topic wise, whether you want to solve programming fundamentals, whether you want to solve data structures, whether you want to go for advanced algorithms, multiple tabs hai. तुम्हें जो करना है मैथ्स की क्वेश्चन करना है मैथ्स से क्लिक कर दो एंड यू आर गोइंग टू गेट इट. इसके अलावा बहुत सारी चीजें तुम्हें प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की लिस्ट मिल जाएगी, जैसे तुम्हारे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं तो कंटेंट क्रिएटर्स की तुम्हें लिस्ट मिल जाएगी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे मेंटर है मोहम्मद फराज, तो उनके जो बिगिनर डीएसए क्वेश्चन है वो कौन से है, लव बब्बर के डीएसए क्वेश्चन है वो कौन से है, टॉप 100 एसक्यूएल के प्रॉब्लम्स वो कौन कौन से है, मोहम्मद फराज की डीएसए क्वेश्चन, निशांत चहर की डीएसए शीट, ये तुम्हें सारी मिल जाएगी. टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन, ये जो तुम्हारे को पर्टिकुलर लिस्ट है दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड तुम्हें अगर चेक करना हो कि यार टॉप 3 के क्वेश्चन करना है तो ये लिस्ट खोल के देख लो, ये तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है. और इतने सारे फीचर्स तुम्हारे को अगर एक जगह मिला तो बॉस बहुत अच्छी वेबसाइट है, मतलब ये तुम्हें हर जगह नहीं मिलेंगे. अब अगर तुम प्रॉब्लम सेट की बात करोगे तो तुम्हें मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे हर डिफिकल्टी लेवल के, वेदर इट बी ईजी, वेदर इट बी मीडियम, वेदर इट बी हार्ड, हर कॉम्प्लेक्सिटी के तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाले हैं विद हिंट्स. एंड जैसा मैंने बताया कि प्लेटफॉर्म तो है वो क्या है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स यू कैन ट्राई इन C++, जावा या पाइथन, जो भी तुम्हें देखना है. इसके अलावा पता है वेबसाइट के अंदर इतनी ऑसम ऑसम चीज़ें हैं, मतलब प्रैक्टिस सेशन है जहाँ पे तुम लोग इंटरव्यू प्रॉब्लम्स देख सकते हो, यू कैन सी द टॉप प्रॉब्लम लिस्ट जो मैंने तुम लोगों को बताई, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद गाइडेड पाथ्स. अब गाइडेड पाथ्स क्या होता है, गाइडेड पाथ्स यहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ पे तुम्हें बताएगा कि अगर तुम्हें जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटा स्ट्रक्चर्स का गाइडेड पाथ चाहिए तो डेटा स्ट्रक्चर्स में चालू कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन कितनी बार करने हैं, फिर किस टॉपिक पे स्किप करना है, ये हर टॉपिक के तुम्हारे को गाइडेड पाथ्स मिल जाएंगे. अगर तुम गाइडेड पाथ की बात करोगे तो फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू गाइड फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, या कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का गाइडेड पाथ, या फिर HTML का गाइडेड पाथ, या फिर एप्टीट्यूड का गाइडेड पाथ, तो तुम्हें इन सब के तुम्हें स्टैक्स में वो कार्ड मिल जाएगा. तुम लोग जैसे गाइडेड पाथ में जाओगे, जैसे तुम लोगों ने एप्टीट्यूड प्रिपेरेशन क्लिक किया, अब एप्टीट्यूड प्रिपेरेशन में तुम्हें थोड़ा ओवरऑल डिटेल मिल जाएगा एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन. अब तुम क्या कर सकते हो, उसके अंदर जा सकते हो, तुम्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा, यू कैन गो अबाउट दैट. तो गाइडेड पाथ के अंदर भी तुम काम कर सकते हो, जैसे तुम्हें ऑपरेशन सिस्टम समझना है, ऑपरेशन सिस्टम की OS कैसे काम करता है, तुम लोग OS का गाइडेड पाथ देखो, स्टार्ट करिए, तुम्हें मल्टीपल सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे कि सर्टिफिकेट्स, और वहाँ पे साथ के साथ एवरेज टाइम भी तुम्हें मिलेगा कि कितने देर में तुम्हें कंप्लीट करनी है, जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है. पूरी कंप्लीट गाइड मिलती है अगर तुम्हें गूगल में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, अमेजोन में जाना है, पूरी कंप्लीट गाइड मिलती है अलॉन्ग विद इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस. अब इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या होता है, इस वेबसाइट पे तुम लोगों को इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलेंगे मोर देन 650 नंबर्स. तुम्हारे जो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है फॉर एग्जांपल मेरा भी तुम्हें एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलेगा. तो जो भी अच्छे अच्छे बच्चे जो लोग गूगल में प्लेस हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजॉन में प्लेस हुए हैं थ्रू कोडिंग इंजर्स ने क्या किया, इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस लिया कि इनसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था और उसका एक एक्सपीरियंस बना दिया कि फर्स्ट राउंड में इतना पूछा गया, इतनी देर का चला. तो तुम्हें ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में पता चलेगा कि यार जो भी कंटेंट क्रिएटर है जिसका भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसके इंटरव्यू में क्या पूछा गया, एक्चुअल चीज है अलॉन्ग विद द लिंक टू द क्वेश्चन जो उनके में आस्क हुआ, जो उनके इंटरव्यू में पूछा गया था, विच इज अ वेरी यूनिक फीचर. तुम्हें एक फीचर कहीं पे भी नहीं मिलेगा, दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर वेयर यू कैन डायरेक्टली अटेम्प्ट द प्रॉब्लम विच केम इनटू दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस खोलोगे तो मेरे से पैलिंड्रोम लिंकलिस्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई एम श्योर तुम लोगों को आता होगा, तो तुम्हें डायरेक्ट वहां से लिंक मिल जाएगा कि यार मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस में जाके तुम लोग सीधे पैलिंड्रोम लिंकलिस्ट का लिंक खोल सकते हो, यू कैन डायरेक्टली प्रैक्टिस देयर. ये फीचर तुम लोग को और कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है. यू हैव अ लॉट ऑफ इंटरव्यू बंडल्स, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है जो इस वेबसाइट को एक बहुत रोबस्ट वेबसाइट बनाता है. और इन ऑल इसके अंदर इतने सारे फीचर्स एक ही जगह होना काबिलियत तारीफ ही है. तो जिसने भी वेबसाइट बनाई है, जो भी डेवलपर्स हैं, आई एम श्योर दे आर हाईली टैलेंटेड. कमिंग ऑन टू, अब तुम ये सोचोगे यार भैया प्रॉब्लम सेट तो है, प्रॉब्लम सेट के अलावा अभी कॉन्टेस्ट कहाँ है, हम लोग लाइव अगर कभी कॉन्टेस्ट देना चाहें तो क्या करें, तो घबराओ मत. इसके लिए भी कोड स्टूडियो पे एक ऑप्शन है, यू हैव चैलेंजेस, यू हैव मॉक टेस्ट सीरीज, यू हैव कॉन्टेस्ट. अब कॉन्टेस्ट ना हर थोड़े थोड़े दिन में होते रहते हैं. अगर तुम लोग बात करोगे पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड या फिर पर्टिकुलर कॉलेज का, तो वहाँ पे तुम्हें मल्टीपल कॉन्टेस्ट दिखेंगे. और कॉन्टेस्ट वैसे ही होते हैं, मल्टीपल यूजर्स कम अराउंड द वर्ल्ड, जो भी ये वेबसाइट एक्सेस करता है वो इस कॉन्टेस्ट को आके देते हैं. 2-3 घंटे ये कॉन्टेस्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट एंड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब ट्रस्ट मी बहुत अच्छा होता है. विद दैट यू अचीव अ पर्टिकुलर रैंक,
तुम्हें क्या मिलता है, एक बैज मिलता है, तुम्हारे को पॉइंट्स मिलते हैं, जो बहुत अच्छी चीज है। एंड ट्रस्ट मी, जब भी तुम लोग किसी इंटरव्यू के अंदर बैठ रहे हो या फिर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस तुम कैसे करोगे, लाइव कॉन्टेस्ट की। अब कॉन्टेस्ट की प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जैसे तुम लोग नॉर्मल क्वेश्चंस करते हो, तो नॉर्मल क्वेश्चंस में ना तुम लोग थोड़े फ्री माइंडेड होते हो, तुम्हारे अंदर प्रेशर नहीं होता, तुम लोग क्वेश्चन निकाल देते हो। बट वही क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें कॉन्टेस्ट में दे दूँ जहाँ पे तुम्हारे पास टाइम का प्रेशर है, तो टाइम के प्रेशर में वो क्वेश्चन करना इज अ बिग डील। तो इसलिए कॉन्टेस्ट हमेशा दिया करो, नेवर एवर मिस कॉन्टेस्ट। मैं तुम लोगों को एक सलाह दूंगा, जब भी तुम लोग अपनी किसी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे तुम एक दिन प्रॉब्लम सेट करना छोड़ दो, बट अगर उस दिन कॉन्टेस्ट है ना, कॉन्टेस्ट जरूर दिया करो। बिकॉज अगर कॉन्टेस्ट में तुम लोग अच्छा परफॉर्म करोगे ना, जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू होगा ना, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि यार कोई नया क्वेश्चन आया तो हम तो कर देंगे। तो इन चीज़ों को कभी नहीं भूलना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिलेगा, एक नॉलेज सेंटर का। तो नॉलेज सेंटर में यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन मिलेंगे ऑन कोर्स स्टूडियो। एक तो होगी तुम्हारी लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी तो तुम्हारी नॉर्मल ग्लॉसरी की टाइप होगी। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें ओएस से रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो तुम ओएस से रिलेटेड चीज़ें देख लो। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी के बारे में पढ़ना है, तुम एनएलपी के बारे में पढ़ सकते हो, न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ सकते हो, एमएल के बारे में पढ़ना है, तुम्हें जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है तुम जाओ, तुम्हें सारी लिंक्स मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल डीएसए खोलोगे तो डीएसए में क्यू स्टैक मिलेगी, क्यू पे क्लिक करना, क्यू की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। टेक्सचुअल है ना, टेक्सचुअल बेस्ड होगी, ठीक है, लिखित में होगा अगर तुम लोग देखोगे, ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा। सेकंड, तुम्हें नॉलेज सेंटर में ऑप्शन मिलेगा वीडियोस का। अब वीडियोस हमारे जो तुम लोगों के जो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनको तुम लोग यूट्यूब पे लाइव देखते हो, उन लोगों की कुछ कुछ वीडियोज़ होंगी, टेक्निकल वीडियोज, और टेक्निकल वीडियोज वहाँ पे अटैच होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें C++ सीखनी है तो C++ की पूरी लाइव डेटा स्ट्रक्चर सीरीज जो यूट्यूब पे हमने दी अभी रिसेंटली, वो तुम लोग डायरेक्टली इस नॉलेज सेंटर पे चेकआउट कर सकते हो। और ये तुम्हें सारी चीज़ें, वीडियोस, तुम्हारा लाइब्रेरी, तुम्हारे कॉन्टेस्ट, तुम्हारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे इतना सारा बंडल ऑफ क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, जस्ट अ सिंगल प्लेटफॉर्म, एक क्लिक में। तो मेक श्योर अगर तुम लोगों ने खोल के नहीं देखा है कोर्स स्टूडियो, प्लीज़ मेरे कहने से एक बार खोल के देखो और एक्सपीरियंस करके देखो। इतने सारे एक्सपीरियंस यू वोंट गेट एट एनी अदर प्लेटफॉर्म, विच मेक्स कोर्स स्टूडियो वेरी गुड वेबसाइट फॉर यू गाइज फॉर प्रिपेयरिंग। और कोडिंग इंजर्स का खुद का जॉब और इंटर्नशिप पैनल तो है ही, ठीक है। तो कोड स्टूडियो पे अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे कुछ कुछ जॉब्स और इंटर्नशिप कनेक्टेड है, जो तुम्हें वेब पेज के राइट हैंड साइड मिलेगी। एंड तुम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी जगह पे कुछ ओपनिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट साइड में तुम लोगों को मिल जाएगा कि जॉब्स और इंटर्नशिप की ओपनिंग, और तुम वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। और साथ के साथ तुम्हें काफ़ी सारी अमेजिंग चीज़ें मिलेगी कि पॉपुलर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस किसके हैं, जो भी रिसेंटली तुम्हारे इसमें चल रहा है, जो भी मोस्ट रिसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस आया है, जो मोस्टली लोग यूज़ कर रहे हैं, जो मोस्टली लिस्ट लोग देख रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है वेबसाइट पे। तो तुम्हें प्रैक्टिस भी मिल जाती है, तुम्हें गाइडेड पाथ्स भी मिल जाते हैं, यू गेट इंटरव्यू प्रेपरेशन कॉन्टेंट एट जस्ट अ सिंगल प्लेटफॉर्म अलॉन्ग विद चैलेंजेस एंड नॉलेज सेंटर। और कम्युनिटी तो तुम्हें बताई है, तो कॉलेजेस की कम्युनिटी होती है, तो कम्युनिटी के अंदर तुम डायरेक्ट उस पर्टिकुलर कॉलेज के जो भी एक्टिव होता है ना कॉलेज, उनके तुम डिस्कशंस देख सकते हो कि इस कॉलेज के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी है, किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें एक जगह मिल जाती है, विच मेक्स इट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, अ रोबस्ट प्लेटफॉर्म विच हैज डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन एंड टेस्ट केस बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो टेस्ट केस के बारे में घबराना नहीं है, टेस्ट केस आर वेरी गुड। और ये सारी चीज़ें तुम लोग को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिले, विच इज कोड स्टूडियो, विच मेक्स कोड स्टूडियो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट यू आर गोइंग टू सी लाइव। एंड कॉन्टेस्ट देना नहीं भूलना है। और UI तो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, मतलब UI के लिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ठीक है, UI चेक करो। और प्राइजेस तो तुम्हें मिलते ही हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें एक जगह मिल रही है। कोडिंग इंजर्स हैज डन अ वेरी गुड जॉब इन मेकिंग दिस कोड स्टूडियो, बहुत मेहनत से बनाई है, इसलिए इतने फीचर्स हैं। आई एम श्योर द क्रिएटर्स बिहाइंड दिस वेबसाइट्स आर अमेजिंग, दे आर वेरी टैलेंटेड। एंड इतनी सारी चीज़ें तुम्हें अगर एक जगह मिल रही है तो क्यों दूसरी जगह जा रहे हो यार, एक जगह सारी चीज़ें मिल रही है एक ही। एंड मैं हमेशा बताता हूँ एक प्लेटफॉर्म यूज़ करो, तो तुम्हें अगर सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है तो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। सो विद दैट आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा कि मैंने ये बेस्ट वेबसाइट कोड स्टूडियो को क्यों बताया। देर आर मल्टीपल रीजंस, ऐसे ही नहीं फेंक रहा हूँ मैं, देर आर रीजंस वाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज इतने सारे फीचर्स तुम लोगों को कभी कहीं और नहीं मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और सारी कुछ अगर कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं समझ आया और नहीं पसंद आया, प्लीज़ कॉमेंट डाउन कर दो, जिससे मैं देखूँ एंड आई शॉर्टली रिप्लाई ऑन देम। मीनवाइल टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आई वॉन्ट एवरी सिंगल वन ऑफ यू टू गो इन टू योर फेवरेट कंपनी एंड दैट्स व्हाट आई विश फॉर।
थैंक यू एंड टेक केयर।